लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि राज्य के नागरिकों को फ्री वैक्सीन दिलाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि जहां देखो वहां पेड वैक्सीनेशन कैंप चल रहा है। नवी मुंबई के वासी में सत्तारूढ़ दल के लोक प्रतिनिधियों द्वारा लगाया गया कैंप इसका सबूत देता है। ताज्जुब इस बात का है कि वासी के एक ही प्रभाग 64 में जहां बीजेपी ने फ्री वैक्सीनेशन चलाया, वहीं एनसीपी पदाधिकारी ने पेड वैक्सीनेशन कैंप लगाया। सवाल यह है कि आखिर जब खुद सरकार और महानगर पालिका भी मुफ्त टीकाकरण का भरोसा दिला रहे हैं, तब नागरिकों को पेड वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने की जरूरत भला क्या है। देखिए रिपोर्ट। जो गवर्नमेंट ने भी जीआर निकाला है कि आप 850 में वैक्सीन ले सकते हैं, और जो हॉस्पिटल के सर्विस चार्ज है, फॉर एग्जांपल रिलायंस, अभी रिलायंस एक वैक्सीन 1000 रुपये में देती है, तो बहुत सी सोसाइटियां हैं जो अप्रोच करती है हमें या जो लोक प्रतिनिधि है उनको। सब सोसाइटियां अप्रोच करती है हम लोक प्रतिनिधियों को और बोलती है सर हमारे यहाँ पे कैंप लगाओ, तो हम लोग महापालिका के माध्यम से परमिशन लेके सोसाइटी में जो रिक्वायरमेंट है उनकी लिस्ट आती है, वो हिसाब से पेड वैक्सीनेशन लिया। महाराष्ट्र सरकार ने जनता को फ्री वैक्सीन दिलाने का भरोसा दिलाया है। जाहिर है कोरोना को हराना है तो सबका जल्द वैक्सीनेशन होना जरूरी है, लेकिन इस जल्दबाजी के चक्कर में कुछ लोक प्रतिनिधि नियमों का उल्लंघन करते दिख रहे हैं। वासी के प्रभाग 64 के जिम्मी टावर में चल रहा यह वैक्सीनेशन इसका सबूत देता है। असल में नियम है कि कोविड वैक्सीनेशन सोसाइटी के क्लब हाउस या ओपन हॉल में होना चाहिए, लेकिन यहां 300 से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन सिर्फ 2 BHK के बंद कमरे में कर दिया गया। नागरिकों ने 1000 रुपये चुकाकर यहां कोरोना का टीका लगवाया। खुद आयोजक वैभव गायकवाड़ ने इसकी पुष्टि करते हुए 400 लोगों के वैक्सीन लेने की जानकारी दी। हालांकि इस टीकाकरण को जिस तरह से कुछ मीडिया के साथ छुपाया गया वह कई सवाल खड़े करता है। पहले उनकी ही सुन लीजिए। हमारी महापालिका ने ग्लोबल टेंडर निकाला 4 लाख वैक्सीन के लिए, शायद वो अगर फुलफिल हो गया होता तो शायद महापालिका दे पाती, लेकिन लोग तो नहीं रुकेंगे, और अभी कहा जा रहा है कि थर्ड वेव आएगी, तो उसके पहले लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट एक वैक्सीन हो जाए, थोड़ा एंटीबॉडीज तैयार हो जाएंगे, ताकि वी ऑल कैन रजिस्ट। लोगों को वैक्सीन की ज़रूरत है, लोग वैक्सीन पेड करके भी लेने के लिए तैयार हैं। देखिए पेड वैक्सीनेशन के लिए हमने जो रजिस्ट्रेशन करवाया था, ये हमने 4 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो भी सोसाइटी के हमारे लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवा के, जो भी काउंट हमारे पास लास्ट में फिगर में आया है, हमारे पास कम से कम 400 का काउंट आया था, वो हमने रिलायंस के थ्रू टाई अप करके हर एक मेंबर ने 1000 रुपीज़ पे किया है और हमने वैक्सीनेशन ड्राइव लिया। गौर करने वाली बात यह है कि वासी प्रभाग 64 के इसी इलाके में 3 जून को लोक नेता गणेश नाइक की पहल पर एडवोकेट नीलेश भोजने का फ्री मेगा वैक्सीनेशन कैंप चला था, जहां 800 से अधिक लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी गई। आज इसी वार्ड के नागरिकों को पेड वैक्सीनेशन दिलाई गई। कुछ लोग अपनी आर्थिक क्षमता और जल्दबाजी का दावा कर सकते हैं, लेकिन असली सवाल तो महानगर पालिका और सरकार की योजनाओं का है, जिसमें फ्री वैक्सीन देने की तैयारी है। स्थानीय नागरिक निवर्तमान नगर सेविका दिव्या वैभव गायकवाड़ की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं कि एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते उन्हें मनपा से फ्री वैक्सीनेशन का इंतजाम कराना चाहिए था, लेकिन उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल को पैसा कमाने की प्राथमिकता दी। सवाल यह है कि जब लोगों को फ्री टीका मिलने वाला है, तब उनसे पैसा चुकाकर टीका दिलाने की जरूरत क्या है। एडवोकेट नीलेश भोजने की दलील है कि कुछ लोग नागरिकों को भ्रमित कर ऐसा पेड वैक्सीन दिला रहे हैं। उन्होंने आगाह करते हुए जल्द फ्री टीका कैंप लगाने का भी भरोसा दिलाया। लोक प्रतिनिधि है नई मुंबई में जो लोगों की दिशा भूल कर रहे हैं कि सब जगह इन्होंने कुछ लोग पेड़ में कर रहे वैक्सीनेशन, तो यहाँ पे ऐसे भी संस्था है, हम जैसे लोग हैं कि जो लोगों को बुला के फ्री वैक्सीनेशन कर रहे हैं, क्योंकि आज के हालात ऐसे नहीं है कि लोग पेड़ कर सके वैक्सीनेशन, जबकि ये जिम्मेदारी जो जिसको हम बोलते हैं लोक प्रतिनिधि या एक्स कॉर्पोरेटर जो भी कहीं के भी होंगे, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को सही तरीके से इसके बारे में बताया जाए, उनकी उनकी जो ये परेशानियां हैं कैसे कम हो इन दिनों में जहाँ पे कामकाज नहीं है,
ऐसे टाइम पे लोगों को कैसे वैक्सीनेशन फ्री किया जाए ये देखना चाहिए। हमारा मकसद है लोगों को वैक्सीनेट करना, ये पूरे इलाके को, हमारे वार्ड को कोविड फ्री करना, ये हमारा ध्येय है। मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा, प्रभाग क्रमांक 64 वार्ड नंबर 64 के लोगों को, कि जिन जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया है, हम जल्द ही हफ्ते 10 दिन में फ्री वैक्सीनेशन करना चाहेंगे। तो उनसे ये निवेदन है कि पेड़ में अपने पैसे ना वेस्ट करें और आके वैक्सीनेट कर ले। हम आपको जल्दी ही डेट दे देंगे इसके लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।